नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। संसद से सड़क तक हंगामा और हंगामे के बीच में कहीं सदन से सात दिन निलंबित तो कहीं पूरे सत्र के लिए सस्पेंड। वहीं सड़क पर हंगामे के दौरान गिरफ्तारी, हिरासत में लिया गया, किसी के बालों को खींच गाड़ी से उतारा गया तो किसी को घेरा गया। सवाल यह है कि लोकतंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी का स्वरूप इतना बदल गया है कि वो अभिव्यक्ति की आजादी के लक्ष्मण रेखा को पार कर गया, या फिर अभिव्यक्ति की आजादी के लक्ष्मण रेखा तय करने वालों की नजरें बदल गई। सच यह भी है कि सदन मुद्दों पर बहस के लिए है, प्रदर्शन हंगामे नारेबाजी के लिए नहीं। लेकिन सच यह भी है कि जब यह सड़क पर भी होता है तो भी आवाज को क्या दबाया जा रहा है? क्या धरने, प्रदर्शन, नारेबाजी, आंदोलन, यह करना और नहीं करना या फिर कैसे करना, यह तय करने के पैमाने बदल रहे हैं? क्या विपक्ष लोकतंत्र में सही जिम्मेदारी निभा नहीं पा रहा, या लोकतंत्र में विपक्ष को जिम्मेदारी निभाने से ही रोका जा रहा? आज बात इसी मुद्दे पर की संसद से सड़क तक जो हंगामा हो रहा है वो लोकतंत्र के हिसाब से सही या गलत है। आतंक मचा रखा देश के अंदर ईडी ने, हर व्यक्ति डरा हुआ देश के अंदर। भेड़िया की तरह काम कर रही है सत्ता के लिए, इनका खात्मा होगा। तो क्या वाकई में विपक्ष की आवाज को दबाया जा रहा है? और जिस तरीके से संसद से सड़क तक जहां भी नारेबाजी वहां कार्रवाई हो रही है, क्या यह सही है? क्या अभिव्यक्ति की आजादी पर चोट या अभिव्यक्ति की आजादी का गलत इस्तेमाल हो रहा है? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता आरसी चौधरी जी, बीजेपी विधायक अनिता बदेल जी, संविधान विशेषज्ञ एके जैन साहब और राजनीतिक विश्लेषक मिथिलेश जैमिनी जी। अनिता बदेल जी, पहला सवाल आपसे मैम, कल विधानसभा का मानो कोई सत्र होगा, वहां आप हंगामा करेंगी, नारेबाजी करेंगी, किसी मुद्दे पर खड़े होकर बात करेंगी, आपको पूरे विधानसभा से, पूरे सत्र से सस्पेंड कर दिया जाएगा तो क्या होगा? आप सड़क पर प्रदर्शन करेंगी, आपको गाड़ी में जबरदस्ती ठूस दिया जाएगा तो क्या होगा? देखिए विजेंद्र जी, बात यह है कि हम किस मुद्दे पर बहस कर रहे हैं, किस मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, महत्व यह बात रखती है, उसमें कितनी सच्चाई है और वो कितने तथ्यों पर आधारित है। जिस आधार पर कांग्रेस सड़क पर उतरी है, मैं कांग्रेस से कुछ सवाल इस संदर्भ में पूछना चाहती हूं। क्या जेल पर बेल लिए हुए लोग, जिनको जेल से बेल पर है, वो ये कहेंगे कि आओ दिल्ली घेरो क्योंकि उनका भ्रष्टाचार पकड़ा गया है जी? क्या ये सही नहीं है कि एजेएल जो कंपनी है, वो एजेएल कंपनी 5000 स्वतंत्रता सेनाओं द्वारा बनाई गई थी? क्या ये सही नहीं है? क्या यह सही नहीं है? मेरा सवाल ये है मैम, एजेएल कंपनी ईडी अपनी कार्रवाई कर रही है, कोई ऐसा तो है नहीं कि सोनिया गांधी पेश नहीं हुई, ऐसा तो है नहीं कि राहुल गांधी पेश नहीं हुए। मेरा सवाल यह है कि जब संसद के अंदर महंगाई के मुद्दे पर बहस हो रही है, सड़क पर अगर विपक्ष किसी मुद्दे पर आंदोलन करना चाहता है तो क्या अब यह भी केंद्र तय करेगा कि आपको ये 10 मुद्दों की लिस्ट दे दी हमने, इन पर आप प्रदर्शन कर लीजिए, हम कुछ नहीं कहेंगे, इससे बाहर अगर आप कुछ कहेंगे, कुछ करेंगे तो बालों से खींचकर आपको गाड़ी में डाल दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, रीट पर, रीट की परीक्षा का आपको जानकारी है ना कि रीट की परीक्षा की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसमें करप्शन हुआ है। तो अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ में क्या किया है जयपुर में, ये तो आपको जानकारी होगी ना। फर्स्ट इंडिया न्यूज के सभी चैनल्स पर दिखाया गया था, सारे कैमरामैन वहां थे, किस तरह से डांटियों से भून दिया गया था लोगों को, और ये सत्य हुआ और रीट की परीक्षा कैंसिल करनी पड़ी। पहले तो अशोक गहलोत ये मानने को ही तैयार नहीं थे कि ये इसका पेपर आउट हुआ है जी। और फिर बाद में जब पुलिस विभाग के अधिकारियों ने ये जांच निकाली, तब पता पड़ा कि वास्तव में ये पेपर आउट हुआ है। मैम कहां से आप तो मानने को तैयार नहीं थे, आप तो आंदोलन करने के लिए अनुमति नहीं दे रहे थे
जी, और आपने आपने पुलिस बल का प्रयोग किया, लिया जा रहा है। इसका मतलब एक होता है कि केमिस्ट्री फिजिक्स में हैंस प्रूव लिखा जाता है, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, यही कांग्रेस है ना, यही कांग्रेस है, जिसके पास सत्ता जो सरकार उस सत्ता के हिसाब से विपक्ष के मुद्दे तय होंगे, किस मुद्दे पर सड़क पर आना है, यही हुआ ना हैंस प्रूव। विजेंद्र जी, मैंने आपको दो तीन उदाहरण बता दिए ना आपको स्पष्ट रूप से, और ये तो 70 साल वाली पार्टी अपने आप को कहती है ना, हम तो 70 साल वाली पार्टी है, हमने सबसे ज्यादा समय में शासन किया है, उस पार्टी का ये हाल है जी, जो कहती है कि नहीं सत्याग्रह में विश्वास करो, जो कहती है आंदोलन में विश्वास करो, वो पार्टी का ये हाल है कि आपको आंदोलन नहीं करने देंगे। कमाल है मैम, आप भी तो नहीं करने दे रहे उनको, वापस मैं आपके पास आऊंगा निधान की और उसके अंतर्गत मिलने वाली अभिव्यक्ति की आजादी की। एक जैन साहब, सर ये सवाल बड़ा गंभीर हो चला है कि अभिव्यक्ति की आजादी की लक्ष्मण रेखा क्या है, क्योंकि संसद से सड़क तक कार्रवाइयां हो रही है विपक्ष पर, तो जरा आप ही बताइए कि अभिव्यक्ति की आजादी की वो लक्ष्मण रेखा क्या, क्या विपक्ष ने पार कर दी या सत्ता ने अपने हिसाब से उस लक्ष्मण रेखा को खींच दिया है। ये राम मनोहर लोहिया ने एक बार कहा था कि जब सड़कें सूनी हो जाती है तो संसद आवारा हो जाती है, और अब तो कानूनी रूप से सड़कों को सूना कर दिया गया है जी, प्रतिबंध लगा दिया गया है सड़क पर प्रदर्शन करने का किसी न किसी बहाने से आड़ में। भारत का जब संविधान बना तो हमने सर्वोच्च लोकतांत्रिक मूल्यों को इसमें लिया था और उन बड़ी बड़े प्रजातंत्रों से लिया था जहाँ पर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबसे बड़ा अधिकार था, फ्रांस में दुनिया में सबसे बड़ा अभिव्यक्ति का स्वतंत्रता का अधिकार है तो वो फ्रांस में है, अमेरिका में, ब्रिटेन में, जहाँ से हमने लिया था जी। और मेरे ख्याल से सन 67 या 69 तक आज़ादी के 20-22 साल तक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी प्रकार की रोक कहीं नज़र नहीं आती, न प्रदर्शन करने के लिए कोई अनुमति लेनी होती थी, न ही आंदोलन करने के लिए सरकारी अनुमतियों की जरूरत पड़ती जी। और इसीलिए राम मनोहर लोहिया ने तब कहा था कि जब सड़कें सुनी हो जाती है तब संसद आवारा हो जाती है। शायद उस समय किसी भी लोगों ने नहीं सोचा होगा कि धीरे धीरे कर कर ये सारी स्वतंत्रता हम वापस ले लेंगे, रोक लगाएंगे धरने के लिए, अपनी बात कहने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए अनुमति लेनी पड़ेगी, धीरे धीरे हमारे स्थान सीमित कर दिए जाएंगे, पहले कुछ स्थान बनाए गए फिर उन इच्छा। आज सबसे बड़ी बात यह है कि महात्मा गांधी की समाधि पर भी अगर सत्याग्रह पर रोक लगा दी जाएगी तो मेरे ख्याल से इससे बड़ा देश का मजाक कोई नहीं होगा। जिस आदमी ने सत्याग्रह की नींव डाली, जिसमें इन्होंने जो अहिंसक आंदोलनों की नींव डाली, अगर उसकी समाधि पर जाकर भी कोई शांतिपूर्वक आंदोलन या अपनी बात नहीं कर सके नजदीक जाकर, तो फिर ये लगता है कि ये जो सत्ता जा रही है, नहीं ये बात सिर्फ विपक्ष की नहीं है जी, हर व्यक्ति से, हर लोगों से, इवन जो सोशल सिविल सोसाइटीज है उनसे सबकी आवाज को धीरे 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 कर कर दबाया जा रहा है। और ये किसी एक पार्टी की बात नहीं है, जो जहां सत्ता जो में सत्ता में बैठा है वो किसी दूसरी बात को न तो सुनना चाहता है, न कोई आलोचना समालोचना को बर्दाश्त करना चाहता है। आप किसी भी राज्य की कुछ ज्यादा कर रहे हैं, कुछ कम कर रहे हैं, पर बाकी हर सरकार ये कर रही है, चाहे तमिलनाडु की सरकार हो या राजस्थान की सरकार हो, सब जगह की स्थिति ये है। और अब तो मतलब मैं ये कहूं कि ये सिर्फ एक धुंधला सा आईना है जिसको हम प्रजातंत्र कहते हैं, दरअसल ये राजतंत्र है। देखिए राजतंत्र धीरे धीरे राजतंत्र और मजबूत हो रहा है, ये अराजक तंत्र अगर कहें तो, क्योंकि हमने अपने संविधान के जो मूल तत्व है वो आयरलैंड से लिए, फ्रांस से लिए, और जो मैग्ना कार्टा अमेरिका से लिया, हमारा फंडामेंटल राइट्स बनाए स्वतंत्र। और पर हम तुलना किससे करते हैं जब तुलना की बात आती है, क्या हम कभी फ्रांस से तुलना करते हैं स्वतंत्रता के अधिकार के बारे में? हम तुलना करेंगे अफगानिस्तान से, पाकिस्तान से, ईरान से, ईरान से, चीन उन देशों चीन से, जहां पर स्वतंत्रता का अधिकार नाम के लिए है ही नहीं। तो ये हमारे नीचे गिरने का स्तर होता गया है। आरसी चौधरी जी, क्या आप इस बात से इत्तेफाक रख रहे हैं कि जो जहां सत्ता में जिसके हाथ में पावर, अभिव्यक्ति की आजादी को उसी हिसाब से कंट्रोल कर रहा है? विजेंद्र जी,
जो व्यक्ति जहाँ पे है अगर ऐसा होता तो लोकतंत्र का जो इतना लंबा सफर था, इस लोकतंत्र के अंदर विपक्ष में बहुत नगण्य के तौर पे सांसद होते थे, लेकिन हर व्यक्ति की आवाज़ मुखर होती थी। देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री जो भी रहे वो लोग उसकी आवाज़ को उठाने को लिए देते थे, क्योंकि डेमोक्रेसी बिना विपक्ष के हो नहीं सकती। अगर लोकतंत्र की बुनियाद की अगर हम चर्चा करेंगे तो बिना विपक्ष के मुझे लगता है कि वो प्रासंगिक नहीं होगा। आज का जो दौर चल रहा है उस दौर में मेरे एक अजीज मित्र की कुछ चंद पंक्तियाँ हैं, वो मैं आपके माध्यम से रखना चाहता हूँ, उस दोस्त को समर्पित करना चाहता हूँ। मुंह को बंद रखो, सच को दफना दो। मुंह को बंद रखो, सच को दफना दो। आज़ादी किताबों की बात है, सबको बतला दो। संसद से सड़क तक तू आवाज ना उठा, संसद से सड़क तक तू आवाज ना उठा। विपक्ष है तो क्या, सत्ता के सामने शीश झुका। देश के अंदर अगर इस तरह की जो तमाम बातें होगी, हमारे जो संविधान विशेषज्ञ और विधिवेता ने जो बात कही, निश्चित रूप से हम तुलनात्मक तौर पे जब सिर्फ पे जो जिम्मेदारी जो आपने लाइनें कही हैं, ये राजस्थान सरकार पे भी लागू होती है? अगर राजस्थान सरकार पे लागू होती तो कुछ आप उदाहरण दीजिए। मैं ये कहता हूं कि लोकतंत्र के अंदर महत्वपूर्ण ये है कि आवाज उठाने का अधिकार आपको सुरक्षित करना चाहिए। लोकतंत्र के अंदर आप उस बात से सहमत हो या न हो, लेकिन आप अपनी बात को प्रकट करने का अधिकार तो दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिस प्रकार से उन्होंने ये कहा, ये एक दल के तौर पे नहीं रहा, जिसने सत्ता के खिलाफ में आवाज उठाई, टुकड़े टुकड़े गैंग कहां से सुना आपने? आपका भी एक लंबा सफर है। यहां पे अवार्ड वापसी गैंग कौन थी? वहां पे सिविल सोसाइटी के जो लोग थे उन्हें अनार्किक लोग किसने कहा था? नक्सलवादी किसने कहा था? जो वहां पे किसानों का आंदोलन था, ये तमाम समय एक लंबी चीज है। वर्तमान स्थिति में कांग्रेस के लिए मुद्दा क्या है? राहुल गांधी सोनिया गांधी को ईडी का नोटिस, या फिर सड़क पर कोई बात करने आ रहा है तो उसको गिरफ्तार किया जा रहा है, हिरासत में लिया जा रहा है, प्रदर्शन आंदोलन नहीं करने दिए जा रहे, मुद्दा क्या है? विजेंद्र जी, आज संसद के अंदर हमारे जो विपक्ष के जो सांसद हैं, उन्होंने जो महंगाई है, जो खाद्य पदार्थों पे जीएसटी लगाई है, जो बेरोजगारी है, जो किसान की एमएसपी है, तमाम मुद्दों के लेके हमने चर्चा करना चाहा। आप जानते हैं मेरे सामने पास में संविधान विशेषज्ञ बैठे हैं कि जब जनता के मुद्दे महत्वपूर्ण हो तो संसद में उनकी चर्चा होनी चाहिए, और ये सरकार तो बार बार कहती है कि हम चर्चा के लिए तैयार हैं, और चर्चा के लिए सबसे माकूल स्थान अगर कोई है तो देश में संसद है, क्योंकि डेमोक्रेसी का टेम्पल तो वही है जिसको प्रधानमंत्री चीज मानते हैं ना सर। अगर संसद में व्यवस्था मांग रहे, विजेंद्र जी ये सिर्फ एक विपक्षी दल नहीं मांग रहा, तमाम जो विपक्षी दल है ये जनता के मुद्दे हैं या नहीं, या फर्स्ट इंडिया बता दे, पूरा पैनल बता दे। मैं कह रहा हूँ जनता के मुद्दे हम उन पे चर्चा क्यों नहीं, तो क्या साधुवाद है? वेल में आना, नारेबाजी करना, तख्तियां लहराना, पोस्टर लहराना, क्या ये संसद के अंदर की गरिमा है? मैं तो सिर्फ ये जान रहा हूँ, अगर आज आप इस बात की चर्चा करते हैं, कब से बेल के अंदर लोग नहीं आते, कब बेल के अंदर धरने पे नहीं बैठे, कौन लोग तो चीजें नहीं जा सकता है ना सर? ये सुनिए साहब, ये आपके संख्या बल को नहीं, ये आपके विचार को दर्शाता है, ये आपके विरोध को दर्शाता है, ये आपके प्रदर्शन को दर्शाता है, और वो व्यक्ति कितनी है, संख्या कितनी है, वो कोई मायने नहीं रखती। आपका विचार क्या है, आप उसकी विपक्षी आवाज को सुनना चाहते हो या नहीं चाहते हो, ये महत्वपूर्ण है। हम चर्चा अगर सर सुन लीजिए सर, प्लीज, हर नियम हमने कहा ना, नियम कौन करेगी, नियम कौन करेगा, नियम कौन तय करेगा, नियम बने जिसकी जिम्मेदारी है संसद को चलाने की, चाहिए या नहीं करना चाहिए? अगर संसद के कोई नियम है तो क्या सांसद को उन्हें फॉलो करना चाहिए नहीं करना चाहिए? अगर आप संसद की बात करेंगे तो संसद संविधान के अनुसार चलती है, और संविधान का आर्टिकल 226 या 256 शायद ये कहता है कि जब जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे हो तो उस पर चर्चा करनी चाहिए, और सरकार ये कहती है हम जनता के मुद्दों पे चर्चा के लिए तैयार है, तो क्या जनता के मुद्दों पे चर्चा की व्यवस्था कौन करेगा? ये जिम्मेदारी किसकी है? ये सदन को चलाने की जिम्मेदारी किसकी है? हम किसी हमारे पे बात कर रहे हैं, हम क्या सदन के अंदर ईडी पे बात कर रहे हैं? ये जनता का मुद्दा नहीं? आप आटे पे जीएसटी लगा दो, आप छाछ पे जीएसटी लगा दो, महंगाई से जनता त्रस्त है, और उसके ऊपर आप फिर टैक्स मार रहे हैं, क्या हमें चर्चा नहीं करनी चाहिए? क्या वाकई में आपको लग रहा है कि आवाज को दबाया जा रहा है, या फिर आवाज को बहुत जोर जोर से जबरदस्ती उठाया जा रहा है? देखिए विजेंद्र जी, डेमोक्रेसी में दो इंपॉर्टेंट चीज है, डायलॉग और डिसिप्लिन। अगर आप डिसिप्लिन को फॉलो नहीं करेंगे और डेमोक्रेसी में डायलॉग को कन्वर्जन नहीं रखेंगे, दोनों को मेंटेन रखना पड़ता है, ये इंपॉर्टेंट इश्यू। लेकिन आप किस टाइम उसको, आपको जो आपको स्टार वाला क्वेश्चन लगाना है या तारांकित सवाल है, अतारांकित सवाल है, स्थगन है, खूब सारे टाइम है। ऐसा नहीं है कि पूरा प्रोसेस है, जो लोकसभा और विधानसभा चलाने का पूरा प्रोसेस है, उसमें टाइम मिलता है। अब उसको फॉलो नहीं करेंगे तो निश्चित रूप से उसमें बवाल होगा। ये दोनों पार्टियां ही करती है, चाहे हम विधानसभा में देखते हैं चाहे लोकसभा में देखते हैं, ये हर विपक्षी दल का एक हथियार बन गया जो शर्मनाक है, हमने कई बार ऐसा नज़ारा देखा। दूसरा, आज जो सड़क से संसद तक जो बवाल हुआ उसमें राजस्थान का एक बड़ा अहम खुलासा हुआ है
की कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में तय किया गया था कि जब तक सोनिया गांधी से पूछताछ होगी तब तक धरना चलेगा। एक तो धरना ही लेट शुरू हुआ 11:30-10 बजे, और दूसरा जो ही उनको लंच में आए इन्होंने धरना खत्म कर दिया। फिर बाद में जब इनको पता चला तो कूच की तैयारी की। यानी इसके अलावा आज जयपुर शहर में इनके एक जो गुजरात के प्रभारी हैं उनके होर्डिंग ज्यादा हैं, उनके घर पर ज्यादा भीड़ थी, धरने में धीरे धीरे भीड़ बढ़ी, 11:30 तक भीड़ ही नहीं थी। तो ये बताता है कि हम एक तरफ तो ये चाहते हैं कि सोनिया गांधी जी के प्रति हमारा समर्पण भाव, चंद कांग्रेसी चेहरों को छोड़ दें तो अधिकतर चेहरे अंदर ही अंदर अपना कोई दूसरा रास्ता तलाश रहे। जैसे राजेंद्र गुड़ा आज कह ही चुके कि जिन्होंने संकट में साथ दिया, मेरा उन्होंने सब्र का साथ, एक एक विपक्ष का नेता भी अपनी आवाज को संसद से सड़क तक बुलंद करना चाहता है तो क्या उसको रोक दिया जाएगा, क्या उसको दबा दिया जाएगा? देखिए विजेंद्र जी, कोई आवाज नहीं दबा सकता। अटल बिहारी वाजपेयी उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अगर आप सत्ता पक्ष को विश्वास में लेकर जनहित की बात रखते हैं तो ऐसा दुनिया का कोई सत्ता पक्ष नहीं है, उसे नहीं रोकेगा। अब आप एक माहौल क्रिएट करें कि देश में आर्टिकल 19 की अवहेलना हो रही है, ऐसा तो मुझे लग नहीं रहा। सब लिख रहे हैं सोशल मीडिया पे, सब लिख रहे हैं, कौन रोक रहा है, किसको रोक रहा है? कार्रवाइयां भी हो रही हैं, कार्रवाइयां हो रही है, आप किसी के भावनाओं का हाथ करेगी। बाकी आज जो आप पीड़ा है आप लिख रहे हैं, आपके घर में कोई परेशानी आप लिख रहे हैं, महंगाई पे सब लिख रहे हैं। मैं आपसे पूछता हूं सर जी, 19 सांसद राज्यसभा से 7 दिन के लिए निलंबित किए गए, एक बार के लिए छोड़ देते हैं, लोकसभा से 4 सस्पेंड हो गए पूरे सत्र के लिए, क्या वो 4 लोकसभा क्षेत्र जहां 7-7 लाख लोगों की नुमाइंदगी वो कर रहे हैं, क्या वो सत्र से महरूम नहीं हुए? या विधानसभा में कांग्रेस ने नहीं किया क्या? सब करते हैं, ये तो हथियार है, जो राज में रहेगा उसको थोड़ा बहुत तो चलाना पड़ेगा, राज दंड से चलता है, लालू यादव ने स्पष्ट कहा। अच्छा, आज विपक्ष कहां धरना प्रदर्शन करे? देखिए विपक्ष धरना प्रदर्शन करे उसकी अनुमति ले जो परमिशन है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन 1967 की नहीं रही, आप बात 1967 की नहीं कर सकते। हम 150 करोड़ हो गए, सड़क पर आप धरना देंगे कितने लोग परेशान होंगे? कोई हॉस्पिटल से वंचित रह गए इलाज से, तो फिर आप कहेंगे कि आप उससे वंचित रह गए। अब देश की स्थितियां बदल गई, आप 67, 62, 64 की बातें नहीं कर सकते। अब इस देश की आबादी 150 करोड़ क्रॉस होने वाली है, आप सड़क पर कहां जाम लगाओगे? अनीता बदेल जी, मैं ये मानकर चलूं कि अब जब भी राजस्थान में सत्र आहूत होगा तो बीजेपी के तमाम विधायक डिसिप्लिन में रहेंगे, ना वो वेल में आएंगे, ना बेवजह की नारेबाजी करेंगे, ना सड़क पर आकर विरोध करेंगे, ना किसी मुद्दे पर जबरदस्ती आंदोलन करेंगे। मैं मानू ये सब होगा देश में। अब विजेंद्र जी आप यदि निष्पक्ष रूप से सुनना चाहते हैं तो सुनिए, आरपी चौधरी जी ने जो बात कही ना, पहले तो मैं उसका जवाब देना चाहती हूँ। आपको घटना याद दिलाना चाहती हूँ, इंदिरा गांधी के शासन में पूरे देश भर से आए हुए साधु संतों पर गोलियां चलाकर को उस आंदोलन को कुचला गया था, सैकड़ों साधु संत मारे गए थे जो वो गाय की बात के लिए संसद को घेरने की तरफ गए थे, सिर्फ संसद को घेरने के लिए वो जा रहे थे और सैकड़ों साधु संतों को गोली मार दी गई इंदिरा गांधी के शासन में। क्या ये आंदोलन को दबाने का कुचलने का तरीका है क्या? पर आप मैं याद दिलाऊं किसान आंदोलन में क्या किया था? परंपराएं कायम की है, अब आप भूल गए। मैं याद दिलाऊं किसान आंदोलन में क्या किया था? मैं आज किसी की तरफ नहीं हूं, मैं सिर्फ अभिव्यक्ति की आजादी की तरफ खड़ा हूं, ना मैं बीजेपी की तरफ ना मैं कांग्रेस की तरफ, मैं अभिव्यक्ति की आजादी की तरफ खड़ा हूं। इस वक्त पूरे वर्ष तक मैं आपको आरपी चौधरी जी के सवाल का जवाब, मैं विजेंद्र जी आरपी चौधरी जी के सवाल का जवाब दे रही हूँ, जो उन्होंने प्रश्न खड़ा किया ना उसका जवाब मैं दे रही हूँ। मैं तो ये पूछ रहा हूँ ना कि विधानसभा में विद डिसिप्लिन होंगे सब, और इस बार ना कोई वेल में आएगा, ना कोई नारेबाजी करेगा, ना कोई तख्तिया लहराएगा किसी भी मुद्दे पर, मैं ये तो उम्मीद कर सकता हूँ। आप निकालिए, आप निकालिए ना विधानसभा की कार्यवाही, निकालिए ना। आप देखिए, हमने राजस्थान की विधानसभा में पर्चे सिस्टम खत्म कर दिया गया है ना, राजस्थान की विधानसभा में स्थगन के माध्यम से सवाल लगाओगे आप, क्वेश्चन के माध्यम से सवाल लगाओगे, बाकी के तो आपको कई बार बोलने का अवसर दिया जाता है और हमने उन विषयों को लेकर के बात की है, लेकिन सवाल लगने के बावजूद भी जवाब नहीं आता। ठीक है मित्र जामिनी जी, मेरे पास वक्त की कमी है सर जी। एक पूरा हमने दशक देखा है सर, मैं दशक कह रहा हूँ, पूरा दशक देखा है जब 2G, 4G और जीजा जी इस नारे के साथ बीजेपी आगे बढ़ी और इसको जमकर भुनाया और गांधी परिवार के साथ कनेक्ट किया। आज उनके खिलाफ कोई क्वेश्चन नहीं है। एक दौर था जब जयपुर के अंदर ही उनकी माता श्री को भी बुलाया जाता था, उनसे भी पेशी होती थी, आज वो दोनों बाहर हैं। अब राहुल गांधी और सोनिया गांधी से
पूछताछ छोड़िए। मेरा सवाल यह है कि अगर पुख्ता सबूत किसी के खिलाफ है तो कठोर एक्शन होना चाहिए, इसमें कोई किंतु परंतु नहीं, लेकिन उसके पीछे सियासी मंशा नहीं होनी चाहिए। देखिए विजेंद्र जी, ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि ये कोर्ट का रास्ता क्यों नहीं अख्तियार कर रहे। अगर कोर्ट में जाएं और केस करा लें, आपको FIR अगर सही नहीं है तो केस करा लेने सुप्रीम कोर्ट जाके। आप इस पर आप भी क्यों गलतियां कर रहे हो, आप भी क्यों बतंगड़ बना रहे? और अगर कुछ पूछताछ हो रही तो होने दीजिए ना, नरेंद्र मोदी से हुई ना पूछताछ, SIT ने 7 साल की ना पूछताछ, अमित शाह से हुई ना, तो आप भी कर लीजिए पूछताछ। तब कोई कौन सा देश जाम हुआ था? आप खुद इसको सियासी मुद्दा बनाना चाहते हैं, ये दुर्भाग्य की बात। आपको ये चीजें छोड़नी पड़ेगी। आज जो सचिन पायलट ने बोला वो अहम बात बोली, उन्होंने कहा कि ईडी की जांच तो हम करवाना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी वालों के साथ भी पूछताछ हो, वो भी दूध के दूल्हे नहीं है। ठीक है, 10 सेकंड पारसी चौधरी। विजेंद्र जी, ये कैसे राजनीतिक विशेषज्ञ हैं जो राजनीति के बारे में पूरी तथ्यों के साथ में नहीं जानते? इन्होंने कहा SIT का गठन किसके गाइडलाइन पे हुआ? सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन पे हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पे जो SIT गठित हुई उन्होंने जांच पूछ की। राजनीतिक प्रतिद्वंदता के आधार पे हमने नहीं किया, जिस प्रकार से 2014 में सुन लीजिए, अरे बीजेपी के प्रवक्ता क्या, बीजेपी के प्रवक्ता क्या, सारे झगड़े की जो सबसे बड़ी कैजुअलिटी है वो हमारी स्वतंत्रता है। आप कुछ भी कहते रहे, देखिए अभिव्यक्ति की आजादी धीरे धीरे खत्म। देखिए मेरे ख्याल से जो राजनीतिक दल के लोग हैं वो तो अपनी अपनी बात कहेंगे, पर सच्चाई ये है कि सारे राजनीतिक दल की टॉलरेंस आज तक खत्म होती जा रही है, कुछ की ज्यादा हो रही है, कुछ की ज्यादा कम होती जा रही है, और धीरे धीरे के जिस तरीके से बोलने वालों पर मुकदमे लादे जा रहे हैं, आप किसी मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री या किसी मंत्री के विरुद्ध लिखते ही फेसबुक पर पोस्ट डालिए, दूसरे दिन पुलिस आपको गिरफ्तार कर ले जाएगी। हम अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की बात कर रहे हैं, हम प्रजातंत्र की बात कर रहे हैं। आज हम कहते हैं कि 1967 का कार्यकाल खत्म हो गया, जो गोल्डन पीरियड हमारी डेमोक्रेसी का था वो हमने खत्म कर दिया है, और हम बड़े शान से कह रहे हैं कि समय बदल गया। हमने अपने इतिहास को, अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को, अपने प्रजातंत्र को बर्बादी की ओर लगा दिया है, और हम कह रहे हैं कि हम 67 वाली बातों को तो भूल जाएं। 66-67 से पहले जो देश में होता था, उस जमाने में जब अटल बिहारी वाजपेयी और राम मनोहर लोहिया जिनके एक एक और दो दो MP होते थे, वो खुलेआम पंडित नेहरू को पार्लियामेंट के अंदर बोलते थे, वो नहीं बोलते थे। आज कौन से लोग बोलने जाते हैं? अनिता बघेल जी चुप रहिए, आप लोगों ने डेमोक्रेसी का सत्यानाश कर दिया। आप दो लोग, दो पार्टी ने मिलकर इस देश के अंदर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बिता दिया है, और आप अपनी मानसिकता की गुलामी, मानसिक गुलामी को अपनी व्यक्ति में बोलाई जा रही है। आप हिम्मत नहीं है किसी में भी राजनीतिक दल में कि सच्ची बात बोल सके। आप बुराई सुन नहीं सकते, आप लोगों की मुंह बंद करना जानते हैं। तो सर क्या मानिए, निश्चित रूप से लोग सुनना ही नहीं चाहते। अभी यही देख लीजिए, अभिनेता बघेल जी सुन नहीं पा रही है, सच्ची बात सुन नहीं पा रही है। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। कम से कम हमारे प्रोग्राम में अभी भी अभिव्यक्ति की आजादी बची है। नमस्कार।